मेहनत करवाए भाई सब... लेकिन है ना यहाँ पे सबको मम्मी के हाथ की चटनी बहुत पसंद है, माँ के हाथ का रोटी का स्वाद सभी जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है भैया। माँ के हाथ का खाना जो होता है ना, वो ऐसे लगता है कि भगवान ने साक्षात प्रसाद बना के दिया है। खाओ, और जिस दिन तुम्हारी मम्मी तुमसे दूर हो और तुम्हें वो खाना ना मिले, तब तुम्हें वैल्यू पता चलेगी कि माँ के हाथ के खाने की वैल्यू क्या है। बिल्कुल सच बोल रही है भाई मैम। भाई मैं क्या बताऊँ, मैं यहाँ पर आके ना भाई खुद इमोशनल हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और मैम भी इमोशनल हो रही है, आप लोग भाई वीडियो में दिख रहा होगा। पर भाई मैं ये कहना चाहूंगा भाई, मैं ये नहीं कह रहा लो भी नहीं आते, मेरा आधा पौन किलो चावल लेके आती हूँ, और वो ये देख लो क्या टाइम हो रहा है और अभी तक मेरा खाना बचा हुआ। अच्छा जी, ठीक है, इतना सेल नहीं होता है कि माँ के हाथ की बनी ही वेज बिरयानी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो भाई आज हम आ रखे हैं नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस हम आपको मिलवाने वाले बहुत ही हार्ड वर्किंग वूमेन है भाई, जो यहाँ पर भाई अपने कड़ी चावल, दाल चावल और वेज बिरयानी वगैरह सेल कर रही है भाई। और उनकी स्टोरी भी आज आपको हम उनसे पूछने वाले हैं कि भाई उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि जो इन्हें ये स्टॉल लगानी पड़ रही है। तो भाई चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, खुद भी उनसे मिलते हैं और आपको भी उनसे मिलवाते हैं। लो नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम सबसे पहले तो धन्यवाद जो आपने हमें अपना टाइम दिया। धन्यवाद, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि मेरे काउंटर की प्रमोशन आप लोग ही कर रहे हो, मुझे तो जरूरत पड़ी नहीं थी हम लोगों को टाइम देने के लिए। तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या रख रखा आपने। हमारे पास आपको बिरयानी मिलेगी, माँ के हाथ की बनी हुई वेज बिरयानी थाली मिलेगी। थाली में आपको दो सब्जी, अचार, चटनी, सैलड, तीन रोटी मिलेगी, चावल मिलेंगे। अच्छा, मतलब स्पेशल थाली है जो। हाँ जी, जो स्पेशल थाली है। और आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, दाल चावल, ये एवरीडे अलग अलग चेंज करके मैं बनाती हूँ। सब्जियाँ हमारी चेंज होती हैं एवरीडे, गीली सब्जी, सूखी सब्जी। अच्छा, रोज मतलब चेंज होती हैं। हाँ, क्योंकि अभी तो नहीं खाते हो ना एक सब्जी रोज। भाई सब बोर हो जाते हैं लोग यहाँ पे भाई, मतलब बहुत मतलब कंपनियां बनी हुई हैं, लोग अपने जॉब करने आते हैं, तो सही बात है, सब चेंज, सब मतलब बोर हो जाते हैं। कोई नहीं खा सकता एक सब्जी रोज, मतलब ये घर वाली बात ही है जो मतलब अपनी एक माँ भाई हमारी जो माँ होती है जो अपने घर के बच्चों के लिए बनाती है। अच्छा, भाई अच्छा, बच्चे बोर ना हो जाए उसी के लिए। बस यही सोच रखते हैं यहाँ पे खाना बना लेके आ रही है मैम कि भाई बोर ना हो कोई, इसलिए चेंज कर करके खाना लेके आ रहे हैं। तो मैम हमारा प्राइस क्या होता है? थाली का प्राइस है 45 रुपीज, और बिरयानी का आपका रहेगा 35 का हाफ है, 60 का फुल है। और जो हम राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, दाल चावल, राजमा चावल वगैरह जो लेकर आते हैं, वो हमने 40 का किया हुआ है, 40 का हाफ है और 70 का फुल। अच्छा, तो मैम अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब क्या स्टोरी है आपकी जो मतलब मैम आप यहाँ पर ये कार्ट लगा रहे हो? स्टोरी बोलने आऊँगी तो आप लोगों के ना मैं क्या बताऊँ, दिन भी कम पड़ जाएगा अगर मैं स्टोरी बोलने पे आऊँ। सुन सकते हो भाई आप। सादा सिंपल सी स्टोरी यही है, जॉब नहीं थी मेरे पास, बच्चों की परवरिश करनी है, बूढ़े माँ बापों की देखभाल करनी है, भूख भी लगती है, इसलिए बस बैठ गई आके, इतना ही कहना चाहूँगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि कहानी सुनाने आऊँगी ना आपको, स्टोरी दर स्टोरी ना आपको पिक्चर बनानी पड़ जाएगी पूरी 4-5 घंटे की, वो भी कम पड़ जाएंगे। सही कह रही है मैम। भाई हमने भी मतलब और वीडियोज में मतलब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, बहुत लंबी स्टोरी हो जाती है। तो मतलब आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं वैक्सीनेशन में जॉब कर रही थी 1.5 साल से, तो भैया वहाँ पे वैक्सीनेशन बंद हो गया, अभी मैं 1.5 महीने से घर पे बैठी हुई थी, तो थोड़ा बहुत पैसे थे बैंक में पड़े हुए, सैलरी वैलरी थी, बैठ के खा गए, अब वो कितने दिन चलेगी सैलरी बताओ। ठीक है, अब किराएदार को भी, किराया मकान मालिक है उसको भी देना है, हम किराए पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है उसे भी देना पड़ेगा, घर नहीं है हम लोग, यहीं रहते हो आप? हम दक्षिणपुरी में रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, तो उसको भी पैसा देना होता है भैया, वो तो आ जाती है हर महीने। ठीक है, अब तुम्हारे पास पैसे हैं, कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, उनको तो रेंट देना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है तुम किसी के घर में रह रहे हो तो किराया देना ही पड़ेगा। और देखो भैया ये जो पेट है ना, बिल्कुल, और ये जो पेट है ना भैया, ये मरने से पहले नहीं भरने वाला, ये तो किसी का भरा ही नहीं है, इसी के चक्कर में हम लोग यहाँ बाहर आके आए हुए। भाई एक इंसान इतनी मेहनत जब ही करता, जब किसी बंदे के पास मतलब बिल्कुल ही मजबूरी पड़ जाती है, समझ रहे हो आप, मतलब कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मतलब हम बिल्कुल कहीं पे ऐसे खाने लेके बैठे, वो भी एक लेडीज़ के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। एक मतलब हम हैं भाई लड़के हैं हम, भाई हम कहीं पे भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें ना मतलब लोग भी मतलब ऐसे होते हैं कि अगर लड़के कर रहे हैं ना तो इतना कोई दिक्कत नहीं होती, पर भाई जहाँ पर लेडीज़ काम कर रही होती है ना वहाँ पर भाई प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, और लोग ना उल्टी सीधी नज़रों से भी देखते हैं, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। घर से बाहर जब निकलती है ना, जब उसके बिल्कुल सर से पानी निकल जाता है के बाद ही वो औरत घर से बाहर निकलती है, नहीं तो किसको, एक बात बताओ किस औरत को अच्छा लगेगा यहाँ बाहर रोड पे आके बैठना, खाना सेल करना। मैं चाहती तो मैं आराम से घर में रह सकती थी अगर मेरे सर पे किसी अच्छे इंसान का हाथ होता, या मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं घर में रह करके सर्वाइव कर सकूँ, या मेरा इनकम का कोई ऐसा सोर्स होता कि मैं घर में सर्वाइव कर पाऊँगी, रह पाऊँगी, तो मैं रहती घर पे। किसे अच्छा नहीं लगता घर पे रहना, आप बताओ किसको अच्छा नहीं लगता? सब यही चाहती औरत तो, कि भाई
कि बस घर पे मतलब एक हाउस वाइफ की तरह रहे, अपना काम करे, घर का घर की जिम्मेदारी एक औरत ना भाई बखूबी निभाती है, पर भाई बाहर बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउस वाइफ भी बन के रही हूँ मैं 17 साल हो गई मेरी शादी को, मैं हाउस वाइफ भी बन के रही हूँ, लेकिन है ना कुछ मुकाम ऐसे आ गए कि बच्चों की परवरिश के चलते घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। बस भाई वही मैं कहना चाहता हूँ भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है जब भी एक औरत घर से बाहर निकलती है, और ना किसी को शौक नहीं होता भाई कि घर से बाहर जाके ऐसे काम करने का। देखो यहाँ मैं मार्केट में ही मैं यहाँ स्टॉल लगाती हूँ, कैसे लोग आते हैं, किसकी नज़र क्या बोलती है, किस नज़रिए से देखते हैं, वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये जो भी फीमेल से वीडियो देख रही है उनको तो ये खुद ही फील हो जाएगा कि बाहर के लोग किस नज़र से देखते हैं, क्या वर्ड्स बोलते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता, हो जाता है 100, 200 में, 400 में एक। तो देखो मैं इस ये चैलेंज लेने से भी मैं नहीं डरती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठी हूँ ना तो मुझे ऐसे लोगों का सामना करना भी आना चाहिए। भाई बहुत हिम्मत वाली बात है ये, आप लोग मतलब वीडियोस में लग रहा होगा कि मतलब वीडियोस बनवा रही है मैम, हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत भाई हिम्मत वाली बात है कि एक औरत का भाई ऐसे खड़े होकर भाई अपना फूड वगैरह सेल करना। तो मैम आप अपनी फूड दिखाएंगे हमें? तो भी नहीं आते, मेरा आधा पौन किलो चावल लेके आती हूँ, और वो ये देख लो क्या टाइम हो रहा है और अभी तक मेरा खाना बचा हुआ। अच्छा जी, ठीक है, इतना सेल नहीं होता है। माँ के हाथ की बनी ही वेज बिरयानी है, और आज मैं सब्जी में लेके आई थी लिक्विड सब्जी, मेरी आज कड़ी है। देखो मार्केट में ना इतनी गाड़ी गाड़ी कड़ी है ना, कोई भी नहीं खिला रहा है। देखो मिलेगी इतनी गाड़ी कड़ी घर वाली जैसी पकौड़े वाली कड़ी? बिल्कुल देख लीजिए भाई, बिल्कुल पकौड़े वाली कड़ी है भाई, और अच्छा खासा मुझे थिक कड़ी हो रखी है, ऐसे कुछ नहीं कि पानी की पतली कड़ी बना रखी है। देखो गाड़ी गाड़ी सब्जी, मैं जो भी लेकर आती हूँ गाड़ी लेकर आती हूँ। हाँ दाल वगैरह वो तो थोड़ी पतली लेके आ रही है, वो तो सबके पतला ही चलता है। और ये मेरा रेगुलर राइस है, ये मेरा जो मैं बिरयानी में भी यूज करती हूँ और आप लोगों को थाली में भी देती हूँ, और दाल चावल कड़ी चावल वगैरह जो जिसमें चाहिए होता है वो भी। अब राइस देखिए भाई, राइस मतलब कितने खिले खिले और लंबे लंबे राइस है, बड़े बड़े, ऐसा नहीं है मतलब कि भाई छोटे मोटे राइस होते हैं। लोग क्या करते हैं अपने शॉप पे ना भाई राशन वगैरह के राइस ले आते हैं भाई। जो यहाँ पे ये जो मेरे माँ के हाथ की बनी हुई चटनी है ना, सिलबट्टे वाली चटनी, ये लोगों को इतनी पसंद आती है कि घर पे भी पैक करा करा के लेके जाते हैं लोग। सिलबट्टे पे चटनी ये भैया, सिलबट्टे पे दो तो भाई मतलब आप आइए और खाइए जरूर भाई, इतना मैं कहना चाहूँगा, सपोर्ट होगी आपके आने से, आप यहाँ पर आके भाई जरूर सपोर्ट कीजिए, आप अपना खाना जरूर टेस्ट करके जाइए। ये हो सकता है कि अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई अच्छा ही लगा नहीं आएंगे, पर ऐसा होगा ही नहीं, मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा खाना होने वाला है, बहुत सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो लोग तो रिपीटेड आते हैं, लोगों को यहाँ मेरी मम्मी के हाथ की चटनी बहुत पसंद है, मम्मी की दीदी कल एक्स्ट्रा चाहिए हमें पैक करा के लेके जाना, तो उस चटनी के लिए स्पेशली आते हैं। आइए और खा के बताइए कैसी बनी माँ के हाथ की चटनी और बिरयानी। बिल्कुल भाई जरूर आइए। मैम टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग हमारी 11 से 4 बजे, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि ना अभी मौसम भी ऐसी हो रहा है, मेरे को आज तो मेरे को 1 बज गया क्योंकि जाम लगा हुआ था रास्ते में, तो मेरा तो टाइमिंग ये 11 से 12 के बीच में आ जाती हूँ और शाम को 4। अच्छा, और मैम हफ्ते में छुट्टी होती है किसी? हाँ, संडे को भैया मुझे लेनी पड़ती है छुट्टी, क्योंकि देखो मेरे बच्चे हैं, पूरे हफ्ते के कपड़े हो गए, घर की साफ सफाई होगी, तो वो थोड़ा देखना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है भाई। तो आपने टाइमिंग भी सुन ली होगी और दिन भी सुन लिया होगा, तो भाई हम जल्दी से अपनी भी भाई एक बिरयानी की प्लेट लगवाते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको हॉनेस्ट रिव्यू देते हैं और टेस्ट बताते हैं। भाई तो हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है भाई, आप देख सकते हैं भाई वेज बिरयानी की,
भाई काफी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, हम इसे टेस्ट कर लेते हैं वो भी चटनी के साथ। चटनी कितनी तारीफ हो रही है भाई, सच में भाई काफी अच्छी बिरयानी है, बहुत अच्छा टेस्ट है बिरयानी का। और भाई जो चटनी है बिल्कुल ही भाई जैसे हम अपने घर पर खाते हैं भाई, सेम वैसी ही चटनी बना रखी है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है भाई। भाई मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा भाई यहाँ पर जरूर आएँ और अपना खाना जरूर टेस्ट करके जाए भाई यहाँ पर। भाई जिसको वीडियो अच्छी लगी वह लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।